अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं आज झील के साथ साथ वॉक करने के लिए पहुंचा और ये वही जगह है जिसको मैंने कल आपको दिखाया था कि जहां परिंदों की बहुत बड़ी तादाद घरों को वापस जाती दिखाई दे रही थी। इन सरकंडों के बीचों बीच एक पक्की मेरे पीछे आप देखें रास्ता बना हुआ, जिसमें मैं चल कर आ रहा हूँ। ये देखते हैं झील के साथ साथ कहाँ तक जाता है। सुबह सुबह तो बहुत रिफ़्रेशिंग जगह लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर वॉक करने का। कच्चा ट्रैक है, वो अगर आप थोड़ा सा दूर देख पा रहे हो, कैमरा आपको दिखा सकता हो, तो ये मुर्गावियाँ हैं जो बहुत करीब आई हुई हैं। मोबाइल का कैमरा शायद इतने करीब नहीं दिखा पा रहा होगा आपको। ट्रैक के राइट साइड पे सारा झील का इलाका है, जबकि लेफ्ट साइड पे आबादी बनना शुरू हो गई है। लोग अपने घर बना के रहना शुरू हो गए हैं। जैसे ये जगह गालमन मेन रोड से भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेफ्ट साइड पे मेन रोड भी करीब ही है। तो ये बैकयार्ड उनका बन जाता होगा झील। सुभान अल्लाह, मुर्गावियों का एक झुंड, छोटा सा झुंड है जो झील को एंजॉय कर रहा है सुबह के वक्त। सुभान अल्लाह, आई बेट आप सुभान अल्लाह, ये मेरे जाने तक उड़ जाएगा लगता है ये परिंदा। मगर क्या कलरफुल है, क्या खूबसूरत इसका रंग है, फिरोजी इसके पार हैं और ब्राउन कलर का इसका बाकी बॉडी है। लंबी चोंच है और भाग गया। Thank you.
एग्जैक्टली जी वही हुआ है। और कलर कार की जो एंट्री गेट है बिल्कुल उसके पास मैं निकला हूँ। आके ये ट्रैक मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से शुरू होता है। वर्थ कमिंग, लाजमी आए यहाँ पर, और प्रेफरेबली सुबह फजर के बाद या मगरिब से पहले पहले आए, क्योंकि परिंदे सुबह के वक्त अपने घरों से अभी भी निकले होते हैं और मगरिब के वक्त वो कतार दर कतार अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, गोल दर गोल। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त कीमती सीन होते हैं। डू कम हेयर, मेक वीडियोस, लेट द वर्ल्ड नो हाउ ब्यूटीफुल आर स्वीट कंट्री इज़। हाँ, एक चीज़ मैं जो ज़रूर कहना चाहूँगा आपको, और जो मैंने यहाँ नोट की है बड़े मतलब अफसोस के साथ, वो ये है कि एक तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं सफाई का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे इस जगह का। जो आबादी है साथ घर बने में, उन सब का सीवरेज का जो पाइप्स हैं वो सारे झील में निकल रहे हैं। दूसरा, जो आने वाले टूरिस्ट हैं, विज़िटर्स हैं, उन्हें भी थोड़ी सी एहसास करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमतें हैं। जहाँ आप आते हैं फ्रेश फील करते हैं, थकन उतारते हैं, अच्छी यादें समेटते हैं और चले जाते हैं। इसे गंदा ना किया करें। पानी की बोतलें, चिप्स के रैपर, कोई वजनी चीज़ें नहीं हैं। ख़ास तौर पे इतनी वजनी नहीं रहती जब आप खा लेते हैं और पी लेते हैं, उन्हें कैरी करना ज़्यादा आसान होता है। प्लीज़ जाते वक्त अपने उसी शॉपर में उन्हें डाल के वापस ले जाया करें। डस्टबिन बहुत सी जगहों पर हैं, आप उन्हें फेंक सकते हैं हमेशा वहाँ पर। बहुत खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दी है, उसे बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे, खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये मैं आपको इंडिकेट कर दूँ, आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये मोटरवे का टोल प्लाजा है। ऊपर राइट लेफ्ट साइड पर देखें तो ये गेट है कलर कार में एंट्री का। जब भी आप ये लेक वाली सड़क पे आते हैं तो सामने एक गेट आता है। उस गेट से आप हार्डली 200 मीटर चल के आएंगे तो ये सामने दुरूद शरीफ लिखा होगा, सलातो सलाम अलैके या सैयदी या रसूलल्लाह व अलैकुम साहब के या सैयदी। दूसरा ये लिखा होगा कलर कहार झील। इन दोनों के बीचों बीच ये ट्रैक जा रहा है जी, और ये जाके निकलेगा जहाँ तख्ते बाबरी वाली साइड का रास्ता आता है, एग्जैक्टली उसके आगे ये निकलेगा। ठीक है, सो डू कम हियर, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस प्लेस। लुकाट के बाग हैं ये, लुकाट तकरीबन 2 माह लेगी अभी मज़ीद तैयार होने में। फूल निकल आए हुए हैं और प्रोसेस में ही है। बहुत मज़ेदार नीम गर्म पानी है, इसे आप नहा भी सकते हैं। सीन तो बड़े शानदार हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात यहाँ रहना पड़ेगा, फजर की नमाज़ के बाद इधर आके देखना पड़ेगा, तभी आप ये देख पाएंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे इन सीन से। ये देखें जी, ये अब चश्मा, पीछे कितना लश ग्रीन कोई फील्ड है, पीछे का छोटा सा खेत है। दिस इज़ आई लाइक द मोस्ट अबाउट सोन वैली या पोठोवार, कि इस कदर डाइवर्स कलर्स हैं इसकी लैंडस्केप के, किसी और जगह मैंने इतना देखा नहीं। नॉर्दर्न एरियाज भी बहुत घूमा लेकिन एक ही जगह पे इतने ज़्यादा कलर्स लैंडस्केप में कहीं नहीं देखे। ग्रेट, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। वॉक आलमोस्ट मेरी कम्प्लीट होने वाली है, और मैं पूरी झील का चक्कर लगा कर TTCP रेस्टोरेंट में या रेस्ट हाउस का कहने वापस पहुंचने वाला हूँ, जहाँ पर मैं ठहरा हूँ। यहाँ से अब हम निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके सोन वैली की तरफ, और सुबह ही सुबह हम अगली डेस्टिनेशन जो कनाटी बाग है उसको विज़िट करेंगे, खबे की झील देखेंगे, उछाली, एंड इफ पॉसिबल टाइम बचा तो झालर झील भी देखेंगे, और डेफिनेटली आपको भी दिखाएंगे। ओके, बाय फॉर नाउ।